सो फ्रेंड्स, वीवो ने उनके वाई सीरीज में एक और नया शानदार स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है वीवो Y200e 5G, जो कि मिड रेंज कैटेगरी को टारगेट करता है। आज के सूर्य में जानेंगे कि ये फोन कैसा है, कैसा डिस्प्ले है, कैसा कैमरा है, कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वैसे दोस्तों, इस फोन की जो ऑफिशियल प्राइस है 20,000 प्राइस है, लेकिन ऑफर के तहत ये फोन आपको मिल जाता है सिर्फ 18,999, मतलब कि 19,000 रुपए में ये फोन आपको मिल जाता है। अगर आपको परचेस करना तो फ्लिपकार्ट से या फिर ऑफलाइन मार्केट से काफी आसानी से परचेस कर सकते हैं। बॉक्स के राइट साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है, बॉक्स के बैक साइड में दे सकते हैं या 6GB 128GB का वेरियंट है। तो चलिए स्पेसिफिकेशन बताने से अच्छा जल्दी से क्या करेंगे, इस फोन को अनबॉक्सिंग करेंगे एंड देखते हैं कि क्या कुछ खास ऐप है बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहला चीज देखने को मिल जाता है जो कि है हैंडसेट, वीवो Y200e 5G स्मार्टफोन है एंड इसका जो कलर है सैफ्रॉन डिलाइट का कलर है। वैसे डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है, वैसे डिजाइन के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या कुछ कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड उसके बाद देखने को मिल जाता है ट्रांसपेरेंट TPU सिलिकॉन केस कवर, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। एंड इसके बाद देखने को मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब कि पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड है, मतलब कि यूजर मैनुअल मिल जाता है एंड उसके बाद देखने को मिल जाता है चार्जिंग ब्रिक जो कि है 44 वाट का फ्लैश चार्जर एंड इसके बाद देखने को मिल जाती है डेटा केबल जो कि USB टाइप सी डेटा केबल मिल जाती है एंड इसके बाद देखने को मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन। बस बॉक्स के अंदर आपको इतने ही बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में नजर डालेंगे वीवो Y200e 5G स्मार्टफोन की तरफ। फ्रेंड्स, ये है न्यू स्टाइलिश वीवो Y200e 5G स्मार्टफोन जो कि अंडर 20,000 के कैटेगरी में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करेंगे इस फोन को स्टार्ट एंड फोन स्टार्ट होते होते इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। इस फोन के राइट साइड के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाता है, पावर बटन मिल जाता है एंड यस, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर मिल जाता है। बॉटम साइड के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, सिम का ट्रे मिल जाता है जो कि एक हाइब्रिड सिम का ट्रे मिल जाता है, एक साथ 2 नैनो सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एंड टॉप साइड के बारे में बात करेंगे तो सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है एंड जो सेकेंडरी स्टीरियो स्पीकर है वो आपको यहाँ पे एयरपीस के अंदर फिट करके दिया है, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको इस डिवाइस में मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस डिवाइस के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो डिजाइन इसका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोस्तों इको फाइबर लेदर मटेरियल के यहाँ पे डिजाइन मिल जाता है जिसमें आपको प्रीमियमनेस देखने को मिल जाता है एंड स्टाइलिश यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। एंटी स्टेन डिजाइन मिल जाता है जिसमें आप जैसे देख किसी भी टाइप के दाग धब्बे देखने को नहीं मिलेंगे, पानी गिराओ, चाय कॉफी जो भी गिराना है गिराओ, यहाँ पे जैसे तो कोई भी स्टेन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके अलावा ये जो डिजाइन है स्क्रैच प्रूफ है, मतलब कि किसी भी टाइप के स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इसके अलावा साइड की फ्रेम के बारे में बात करेंगे तो फ्लैट एजेस, मतलब कि बॉक्सी टाइप का डिजाइन है जो कि आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग देता है। इनहैंड फीलिंग के बारे में बात करेंगे तो काफी बेटर आपको इनहैंड फीलिंग दे देगा, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो भी काफी सही है। टोटल वेट के बारे में बात करेंगे 191 ग्राम इसका वेट है। मेरे हिसाब से इस ड्रेस में जो डिजाइन मिल जाता है वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है इस प्राइस पॉइंट पे। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस फोन की डिस्प्ले के बारे में जो कि काफी बेटर एंड प्रीमियम डिस्प्ले है। 6.67 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है जो कि अल्ट्रा एमोलेड पैनल के साथ मिल जाता है जिसमें 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस वैल्यू मिल जाता है। स्कॉट जेंसेन का गैप ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। रिफ्रेश रेट के बारे में बात करेंगे तो 120 हर्ट्ज का स्मूथ एडाप्टिव रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद Wide 1 L1 सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो Wide 1 L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि Amazon Prime में Netflix उसके जो कंटेंट है फुल HD+ में वॉच कर सकते हैं। YouTube HDR क्वालिटी सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 1K HDR का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब भी सिर्फ यहाँ पे 1080 पिक्सल का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो काफी जबरदस्त आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है क्योंकि दोस्तों काफी वाइब्रेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एमोलेड पैनल के वजह से जो कलर्स है काफी पंची टाइप के कलर्स, मतलब कि बूस्टर एनहांस टाइप के कलर्स देखने को मिल जाते हैं। 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस वैल्यू मिल जाता है जिसके वजह से काफी ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एक मल्टीमीडिया यूजर से तो आपके लिए इसका जो डिस्प्ले है काफी बेटर डिपार्टमेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसका जो कैमरा है वो भी काफी अमेजिंग है क्योंकि दोस्तों 50 MP का अल्ट्रा ट्रिपल कैमरा मिल जाता है जिसमें 2 MP का बोकेलेस एंड तीसरा कुछ आपको यहाँ पे फ्लिकरिंग सेंसर मिल जाता है।
एंड इसके अलावा दोस्तों सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो अगेन आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जो कि ए ब्यूटीफाई कैमरे के साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों कैमरा फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे स्लो मोशन का भी फीचर मिल जाता है, लाइव फोटो मोड का फीचर मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ खास बड़े फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको प्रोसेसर के वजह से काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो कोई भी यहाँ पे 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे 60fps का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। 1080 पिक्सल एट 30fps एंड 720 पिक्सल एट 30fps बस आपको यही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपको वीडियो स्टेबिलाइजेशन चाहिए तो यहाँ पे वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करेंगे। वीवो का फोन है तो कैमरा काफी ऑसम है, काफी ब्राइट टोन के साथ जबरदस्त फोटोज देखने को मिल जाते हैं। इसके पोर्ट्रेट सैंपल काफी जबरदस्त निकल के आ जाते हैं, स्पेशली लोलाइट कंडीशन में काफी बेटर परफॉर्म करता है। एंड इसमें आपको 10x का यहाँ पे जूमिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो कि डिसेंट क्वालिटी के फोटोज कैप्चर करता है। एंड जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी जबरदस्त निकल के आ जाती है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ 1080 at 30fps का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन गौर से देखेंगे वीडियो की जो क्वालिटी काफी बेटर मुझे देखने को मिली है। इसमें भी जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी बेटर देखने को मिल जाती है, स्मूथनेस देखने को मिल जाता है, स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस फोन के पावर के बारे में बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। एंड इसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कह सकते हो क्योंकि इसका जो अंतुदु बेंचमार्क स्कोर है 440,000 के आसपास ही देखने को मिल जाता है। सीपी थ्रॉटलिंग टेस्ट काफी बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाता है, पूरा 100% आपको पीक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों रीडर स्पीड वो भी काफी बेटर मुझे रिजल्ट देखने को मिले है। एंड इसके बाद दोस्तों गेमिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो BGMI ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो स्मूथ में हमको अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है, बैलेंस में भी अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है एंड मैक्स टू मैक्स HD हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। एंड गेम प्ले के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 30 at 39fps यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिल जाता है। वैसे अगर आपको कैजुअल टाइप की गेमिंग करना है, मतलब कि एवरेज ठीक ठाक टाइप की गेमिंग करना है, तो भी आप डे टू डे लाइफ में गेमिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप एक प्रो चैंपियन गेमर से तो आपके लिए डिवाइस नहीं है क्योंकि इसमें आपको बेसिक टाइप की गेमिंग देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद दोस्तों लॉन्ग लाइफ गेमिंग करने के लिए इस डिस्क में 5000mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड 44W का सुपर फास्ट फ्लैश चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस डिस्क के सॉफ्टवेयर एंड OS के बारे में बात करेंगे तो लेटेस्ट यहाँ पे फ्रंट टच OS 14 का अपडेट मिल जाता है, वो भी एंड्रॉइड 14 बेस अपडेट मिल जाता है। एंड फ्यूचर में इस डिस्क में एंड्रॉइड 15 का भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर UI एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो जैसे फोन को स्टार्ट करेंगे तो फोन स्टार्ट करने के बाद इस फोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड गेम्स एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हॉट ऐप्स है, हॉट गेम्स है, लेकिन अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करना है तो उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों UI एनिमेशंस के बारे में बात करेंगे तो एप्लीकेशन ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग है उसमें भी काफी बेटर एंड स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिल जाता है, कहीं भी लैग एंड जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए इस डिस्क में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर मिल जाता है एंड फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। वैसे स्पीड के बारे में बात करेंगे तो दोनों का भी जो स्पीड है काफी ज्यादा फास्टर मुझे देखने को मिला है। एंड इसके बाद दोस्तों रैम एंड रोम टाइप के बारे में बात करेंगे तो LPDDR4X टाइप का रैम सपोर्ट मिल जाता है, UFS स्टोरेज 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है एंड 6GB 128GB का स्टार्टिंग वेरियंट मिल जाता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो टोटल आपको 8 5G के बैंड मिल जाते हैं जो कि सारे के सारे इंडिया के लिए सपोर्ट करते हैं। 12 5G 12 4G का भी सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर से IP54 का भी रेटिंग मिल जाता है। सो फ्रेंड्स आपको ये वीवो का लेटेस्ट लॉन्चिंग वीवो Y200e 5G डिवाइस कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।